नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है नवमी तिथि। दोस्तों, ये जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो दो लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन मंगलवार के दिन आप लोगों को इस दो लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 अगस्त के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस दो लौंग वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको दो लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए दो लौंग की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवमी का। तो अब दोस्तों, इस दो लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस दो लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरु जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि दो फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले तो आपके पास जो दो फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो दो फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो दो फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो
उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड्ढा संकट आने वाला है, कोई भी बड्ढा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आप कोई उपाय करना है तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर चार बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है
या फिर आप आरणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और ये जो एक लौंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरु जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको उपाय से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।